अच्छा स्टूडियो की अपनी दुकान है जी माशाल्लाह। अच्छा ये आप ये बताएं कि आप अकेले यहाँ पे घूमने फिरने आए हैं फैमिली के साथ या 200 मेंबर के साथ आए हैं? जी सुबह फर्स्ट रमज़ान है तो इसलिए हमने सोचा कि रमज़ान से पहले हम दोस्त आए और यहाँ पे इंजॉय करें। क्या आप कल रोज़ा रखेंगे? जी इंशाल्लाह क्यों नहीं, अल्लाह ताला इसके जज्बात को बुलंद करे। और आप भाई ये बताएगा आपको यहाँ पे आके कैसा फील होता है, कैसे आपको रिलैक्स भी कोई होता है कि नहीं, आपको माइंड भी रिलैक्स होता है कि नहीं? जी बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह, ये माहौल आपके सामने है कि काफ़ी खूबसूरत ये माहौल बना है, जैसा कि ये आपको सामने पहाड़ी नज़र आ रही होगी कि बहुत ही प्यारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऊपर जाने का तमाम इंतज़ाम है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आके इंजॉय करते हैं। तो आज हम दोस्तों ने भी सोचा कि यार क्यों ना हम भी रमज़ान से पहले। एक बार बात सुने, आप कितनी दफ़ा इस पहाड़ी पे आ चुके हैं, अपनी फैमिली को भी कभी लेके आए हैं? तकरीबन मैं 10-12 बार इस पहाड़ी पे आ चुका हूँ। अच्छा, तो एक दो बार हमारी फैमिली भी आई है यहाँ इंजॉय करने के लिए। अच्छा आप ये बता सकते हैं कि आपने कभी सोचा था कि कोई नुमाइंदा मेरे साथ इंटरव्यू लेगा और टीवी पे मैं पॉपुलर होऊंगा? आपको क्या शौक था बचपन से, कोई शौक था ऐसा, कोई चाहते थे आप? क्योंकि हर इंसान का कुछ ना कुछ शौक होता है कि वो कैमरे पे आए और दुनिया उसे देखे। तो आज मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कैमरामैन मियां मुनीर अहमद और जिशान भाई आपका कि आपने हमें मौका दिया, दुनिया न्यूज़ वालों ने हमें मौका दिया कि आज आप हमारे शहर सांगला हिल में आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर आप तो हम तो यहाँ पे वाकफ़ नहीं हैं, लेकिन आप हमें तो कुछ चीज़ों के ज़्यादा करा सकते हैं? जी क्यों नहीं, यहाँ बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप पहली बार देखना चाहेंगे। ये जो पानी है ये क्या छप्पर वगैरह के क्या, ये क्या इंतजाम है गंदला? अगर कैमरामैन इधर जूम कीजिएगा ज़रा बताइएगा ये क्या बात है, ये कैसे गाड़ी यहाँ पर चला रहता है? जी यहाँ पर पहले उन्होंने सोचा था कि यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया जाए, पर कुछ ख़ास इंतज़ाम नहीं कर पाए, इसलिए ना ये जगह ख़राब हो गई, तो इसलिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। अच्छा आप हिल के बारे में बताएंगे, आपको पता है कि इसकी लगभग कितनी सीढ़ियाँ ऊपर तक? तकरीबन 250 के या 400 के करीब है। तो बंदा यंग ऊपर बंदा जाए तो कितनी दफ़ा ये सांस लेकर जा सकता? तकरीबन 3-4 बार उसकी सांस फूल जाती है और फिर वो ऊपर जाता है। ये कितनी पुरानी है पहाड़ी? ये तकरीबन आज से तकरीबन 20-25 साल पुरानी है। अच्छा आपको हम ये कोई मशहूर चीज़ भी दिखा सकते हैं जाके? जी हमारे यहाँ पे मशहूर चीज़ वो इंजन है जो आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी पुराना है ये, तकरीबन बहुत ही पुराना है और बहुत नस्ली है।